जय श्री राम दोस्तों। हरियाणा फैमिली आईडी में जॉब निकल गई है भाई, ठीक है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र जिसने क्या करा पा 22 पोस्ट है भाई। 21 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है भाई। सैलरी पोस्ट वाइज के अनुसार दी जाओगी और जॉब लोकेशन रहेगी हरियाणा। सारे भाई अप्लाई कर सको भाई। 21 जनवरी इसकी लास्ट डेट है भाई, ठीक है। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट जल्दी बता देंगे। 18 से 40 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सके हैं। एज में रिलैक्सेबल मिल सके भाई। फीस कोई भी कोनी भाई। EWS हो चाहे OBC हो चाहे SC का हो ST का हो किसी की भी कोई फीस कोनी, 0 रुपये फीस है भाई, ठीक है। इसे हम मांग रखे हैं भाई 6 तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मांग रखे हैं, 2 हैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर मांग रखे हैं भाई, 1 डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मांग रखे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी 1 मांग रखे हैं भाई, FMS डाटा सेंटर 1 मांग रखे है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1 मांग रखे है, सिक्योरिटी एनालिस्ट 1 मांग रखे है, हेल्प डेस्क मैनेजर 1 मांग रखे है, मैनेजर कंप्लेंट एंड ग्रीवेंस खातर 1 मांग रखे है भाई, HR मैनेजर 1 मांग रखे है, सॉफ्टवेयर खातर 1 मांग रखे है भाई, मोबाइल डेवलपर का 2 मांग रखे हैं भाई, हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव 2 मांग रखे हैं भाई, बिजनेस एनालिस्ट 1 मांग रखे है भाई। टोटल 22 पोस्ट हैं भाई। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी बढ़िया देने लग रहे हैं भाई, ठीक है। यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 65,000, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर की 95,000, यहाँ डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की 95,000, यहाँ नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की 90,000, ठीक है। FMS डाटा सेंटर की 80,000, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की 90,000। बहुत अच्छी खासी बढ़िया सैलरी देने लग रहे हैं भाई, ठीक है। 22 पोस्ट हैं हरियाणा में। जॉब लोकेशन रहोगी, टेस्ट उस्ट कोई होगा कौन का शॉर्ट लिस्ट लागेगी कैंडिडेटा की, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर सीधा सिलेक्शन हो जाएगा भाई। कोई हटाणिया कौन भाई, बल्ले बल्ले है। आपकी लोगन आईडी और पासवर्ड हमेशा याद रखिए सबमिट करने से पहले। पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, आईडी प्रूफ वगैरह, सिग्नेचर, आइडेंटिटी कार्ड, एड्रेस, सारी डिटेल इसमें भर दियो भाई, ठीक है। सिलेक्शन आपका पक्का भाई। भगवान आपका भला करें। जय सियाराम।